ये प्राइस भैया कितने में दे देंगे हम लोग? 6,500 ये पड़ेगी, 7,500 रुपए की। 7,500 हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल पड़ेगी आपको ये 14,500। हाँ। हीरो की प्लेजर है 12,500। डिमांड क्या रखेंगे, वो कितना चली है? डिमांड पड़ेगी 20,000 की। नमस्कार दोस्तों, AS Vlogs के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोज शशांक। आइए थोड़ा सा आगे, गाड़ियां देखिए लगी हुई है इस साइड, छोटी गाड़ियां। और आगे आइएगा थोड़ा सा तो आपको देखेंगे सस्ती से सीरीज शुरू कर रहे हैं, उधर साइड लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं। 100 CC जो डिमांड कर रहा था 100 CC की भी है गाड़ियाँ, मतलब बाइक में भी हैं, स्कूटी सेगमेंट में भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी दिखाएंगे। उस साइड देखेंगे तो लिखा हुआ है पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने आर्यन ऑटो सेल्स। यहाँ पर आए हुए हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे 100 CC बाइक सेगमेंट में वीडियो लाने के लिए। आ गया है, शुरू कर रहे हैं। चैनल पे जो भी पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल हिट करेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और चलिए यहाँ के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं, लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पे, ये रहे। सो भैया वेलकम टू AS Vlogs, क्या हाल है? बढ़िया है। क्या क्या डील रखेंगे आज? सभी गाड़ी कम रेंज की रखेंगे डील। कम रेंज, क्या धमाका करेंगे? क्या हमारा प्राइस सेगमेंट रहेगा? कम से कम 7,500 तक। 7,500? 7,500 में। 6,500 में भी रहेगी? हाँ, 6,500 में भी रहेगी। चलिए 6,500 में आपको बाइक देंगे और घूम सकते हैं वैसी बाइक देंगे। जी शुरू कर दें। हाँ, हीरो से। तो आप लोग शुरू करिए। ये देखिए डिटेल ले रहे हैं हम भैया, इसकी डिटेल बताइए। ठीक है, 2005 मॉडल। पांच मॉडल है। हाँ। गाड़ी आप लोग पूरी देखिए, इस साइड से भी आप लोग देख लीजिए। 2005 भैया हमने बताया। गाड़ी चलने में कैसी है अभी? बढ़िया है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई काम तो नहीं है? ठीक है, जो भी है सामने है दिख रहा है। ठीक है, जो भी है सामने है। प्राइस सेगमेंट आपको बताएंगे, प्राइस भैया कितने में दे देंगे हम लोग? 6,500। 6,500 में? हाँ। 6,500 में आपको 2005 मॉडल की CD डॉन मिल रही है। यही अब CD डीलक्स हो गई या HF डीलक्स है ना भैया? ओके, आ जाइए इस साइड अपने पास भैया। जब हमने कहा ही है कि डिस्कवर ये भी कम रेंज में रखेंगे और प्राइस बिल्कुल भैया धमाकेदार बताएंगे। पूरी गाड़ी आप लोग देखिए भैया, इस साइड आइएगा। इसकी डिटेल दीजिए, कौन सा मॉडल है ये? 2006 मॉडल है। 6 मॉडल है। हाँ। वो 2005 थी, ये 6 है। हाँ। ओरिजिनल पेंट है ये पूरा? ओरिजिनल पेंट दोनों का। कुछ अभी कराया नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं। आप लोग थोड़ा सामने आइएगा, पूरा घूम के एक बार देखें ओवरव्यू कैसा है। गाड़ी आप लोग इस साइड से भी देखिए कैसी है गाड़ी, ओवरऑल आपको कैसी दिख रही है। अब भैया इसकी डिटेल हम लोग फाइनल क्या प्राइस में दे देंगे? ये पड़ेगी 7,500 रुपए की। 7,500। हाँ। ओके, कुछ थोड़ा बहुत इसमें होगा कि ये फिक्स है? तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, 100-200 रुपए हो जाएगा। 100-200 और ट्रांसफर का पैसा अलग से लगेगा? लगेगा। ठीक है, मतलब पेपर वर्क आपको अपनी जिम्मेदारी कराना पड़ेगा। हम लोग डील बता रहे हैं अच्छी अच्छी। अब ये गाड़ी बताइए, इसमें तो बिल्कुल बुलेट वाली मॉडिफिकेशन हो रखी है, जैसे कवर वर लगा हुआ है। इसकी डिटेल थोड़ा सामने से भी आप देखिए और फिर उस साइड से देखिएगा कैसी है। भैया इसकी डिटेल दीजिए। ये 2006 मॉडल है। 2006 है? 2006 नहीं, 2003 मॉडल होगी ये। 3 मॉडल है। हाँ, इसका RR बड़ा हुआ है। ओके। हाँ, अभी इसका 4 साल मतलब वैलिड है? हाँ, 4 साल वैलिड। ओके, 4 साल वैलिड है, आपको कुछ कराना नहीं है। कंडीशन देख लीजिए कैसी है, ओवरऑल दिख रही होगी। 32 यानी लखनऊ नंबर में ही डील अपने यहाँ ज़्यादातर होती है। इसकी भी फाइनल हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? फाइनल पड़ेगी आपको ये 14,500। 14,500। ठीक है, हम लोग धीमे धीमे आप करेंगे, जैसे जैसे गाड़ी ऊंचे मॉडल की होगी। इस साइड देखेंगे तो बिल्कुल चमचमाती स्प्लेंडर खड़ी, इसके प्राइसिंग बिल्कुल शॉकिंग होंगे। आप पूरा एक बार ओवरव्यू देखिए किस तरीके की पेंट कंडीशन है, कैसी आपको गाड़ी लग रही है ओवरऑल, आगे से पीछे से टायर से। भैया हम लोग मतलब कोई काम छोड़ते नहीं, सब कुछ ओके रहता है। बिल्कुल, टायर डालाना हो चाहे थोड़ा बहुत जो भी टचअप हो, बिल्कुल ओवरऑल अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोग पूरी तैयार करके खड़ी करें। इसकी भी आपने 2000 कितना बताया? ये 2006 मॉडल है। 6 मॉडल है। ओनरशिप क्या होगी? फर्स्ट ओनर है। डिमांड क्या होगी? डिमांड ये पड़ेगी 16,000 रुपये। 16? ठीक है, गाड़ी 16,000 में मिल रही है, ले जाइए स्प्लेंडर प्लस। अब आ जाते हैं भैया अपने पास पैशन भी खड़ी हुई है, एक बार इसकी भी पूरी प्रोफाइल इस साइड से भी आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। भैया इसकी डिटेल दे दीजिए। 2016 मॉडल है। 2016 है। ठीक है, कितना ड्रिवन होगी, चली कितनी होगी? चली होगी 15,000। 15,000।
ओके 15,000 चली हुई है। 2000 कितना? 2016 मॉडल। 16 मॉडल ओके। ऊंचा मॉडल है यानी ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर। थोड़ा सा इस साइड लाएंगे जरा कैमरा और देखेंगे तो आपको इस साइड से भी दिखा दे रहे हैं गाड़ी ओवरऑल कैसी है। तो आपने पूरी गाड़ी देख ली, 2016 है, ओनरशिप फर्स्ट है, डिमांड क्या कर रहे हैं? 35,000। 35 नेगोशिएबल थोड़ा बहुत? सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ है, सब प्रॉपर वर्किंग है। हाँ ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। न्यू शेप डिस्कवर है, अब इसकी डिटेल दे दीजिए। 2014। कोई गाड़ी भैया अपने यहाँ एक्सीडेंटल तो नहीं रहती है? एक्सीडेंटल कोई गाड़ी नहीं रहती। और मतलब पेपर और सब अपनी जिम्मेदारी करा के देंगे? अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको सही करा के दूंगा। ठीक है, चार्ज नहीं उसका, कोई चार्ज नहीं, दोबारा भी सही करा के दूंगा। ठीक है, इस साइड से भी आप लोग दिखा दीजिए। गारंटी के साथ गाड़ी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी जिम्मेदारी है, बस पेपर चार्ज आप दीजिए, ट्रांसफर कराना, HSRP लगवाना, ये सब हम लोग करा के देंगे। पेमेंट इन सब का आपको कराना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे आप लोग जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री आपको देना पड़ता है, वैसे ही है कि आप बाइक खरीदिए, ट्रांसफर का पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना। और अपना भैया हम लोग बहुत बार कहते हैं कि बहुत सारे भाई बाहर से हैं, हमारे यहाँ केरला के लिए डिलीवरी नहीं है या कर्नाटक के लिए नहीं है, अपना दायरा थोड़ा सा सीमित है, जब तक हम कोशिश कर पा रहे हैं अभी सीमित है, जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग अपडेट करेंगे। 2014 है, डिमांड क्या रखेंगे, वो कितना चली है? डिमांड पड़ेगी 20,000 की। कितना चली है ये? चली है लगभग कोई 20,000। 20,000 ओके, आगे बढ़िए। फर्स्ट ही ओनर थी? हाँ फर्स्ट ओनर। इसकी देखिए डिटेल चमचमा रही है, 19 मॉडल डुएट है। हाँ ओके, हीरो की डुएट है, अभी डिसकंटिन्यू हो गई लेकिन बहुत बढ़िया गाड़ी थी, प्राइस रेंज इसका बहुत ही बढ़िया था। आज अभी पूछेंगे अभी कैसी प्राइस है, कितना चल गई है? ये चली है 9,000। 9,000 कमी चली हुई है। और इसमें हम वो पूछें तो आप सामने से आके भी दिखाइए, इसमें इंश्योरेंस होगा 5 साल वाला? हाँ 5 साल वाला इंश्योरेंस। ओके 5 साल वाला इंश्योरेंस है, हीरो की डुएट है, गाड़ी ओवरऑल अच्छी है, चली कितना होगी भैया? 9,000 चली हुई। 9,000 चली है, ओनरशिप फर्स्ट ही है, डिमांड क्या है? 40,000। 40 ओके, 40 में आपको मिल रही है 2019 वेरिएंट गाड़ी। आइए स्कूटी पेप प्लस, इसने भी सेगमेंट अपना बनाया था, डिटेल देख रहे बहुत ही बढ़िया कंडीशन में लग रही भैया, इसकी डिटेल दीजिए। 2015 मॉडल है। ओके 2015 है, कितना चली है? ये चली हुई 15,000 लगभग। 15,000 ओनरशिप फर्स्ट ही है, ओनर। इस साइड से भी आप लोग प्रोफाइल देखिए, गाड़ी ओवरऑल अच्छी है, हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये पड़ेगी 26,000 रुपये की। 26 2015। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। अपने पास भैया स्प्लेंडर हमेशा लगी रहती हैं जी, किसी को स्प्लेंडर लेनी हो सारे, चाहे वो सुपर हो, चाहे आई स्मार्ट हो, चाहे अपनी नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस हो, और स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो खड़ी भी है, इसकी डिटेल दीजिए भैया। 2013 मॉडल है। ओके 13 मॉडल है, कितना चली है? गाड़ी चली 25,000। क्या डिमांड है? डिमांड पड़ेगी 32,000। 32 उधर ही से इस साइड आइए भैया, हम लोग इधर ही रहते हैं। गाड़ी एक और खड़ी है स्पोर्ट, इसकी डिटेल दे दीजिए। 2014 मॉडल है। ठीक है, ड्रिवन कितना है? गाड़ी फर्स्ट ओनर है। ओके चलिए 26,000 मात्र। हाँ मात्र 26,000। डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड पड़ेगी ये 26,000 रुपये। 26 और आगे बढ़िए, इस साइड खड़े हुए हैं भैया, 110 ड्रीम नियो है। हाँ, इसकी डिटेल दीजिए। ये 2015 मॉडल है। दोनों तरफ से आप एक बार प्रोफाइल दिखा दीजिए, इस साइड से भी, इस साइड से भी, गाड़ी कैसी है? 15,000 चली है। हाँ 2015 मॉडल। 2015 है, चली कितना है? 20,000। ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर है। डिमांड क्या है? डिमांड ये पड़ेगी आपको 34,000 रुपये की। 34 आइए आगे बढ़ते हैं। आई स्मार्ट खड़ी है, पीछे से पूरा प्रोफाइल आप दिखाइए, आगे का पूरा दिखाइए, क्या डिटेल है भैया इसकी? 2015 मॉडल है। ओके फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 21,000 चली हुई मात्र। मात्र 21,000। किसी में इंश्योरेंस भैया इसमें है? इंश्योरेंस है तो मिलेगा। ठीक है, जो होगा वो मिलेगा, नहीं होगा वो आप कराने की जिम्मेदारी रखिएगा, डिस्काउंट आपको मिलेगा छोटा सा चैनल का। क्या डिमांड हम लोग कर रहे हैं भैया? आपको 34,000 रुपये। 34 आइए और आगे बढ़ते हैं। सुपर स्प्लेंडर गाड़ी आप लोग देखिए, आगे से दोनों तरफ से आप लोग थोड़ा प्रोफाइल देखिए, इसकी भैया डिटेल, ये नंबर बहुत बढ़िया है, 0084। हाँ ये 2011 मॉडल है। ओके 2010 मॉडल है। 10 है। हाँ ओनरशिप फर्स्ट ओनर। ड्रिवन कितना चली है? ड्रिवन चली है मान के चलिए 25,000। 25,000 हाँ ओके, क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड ये कर रहे हैं 24,500। 24,500 आइए इस साइड। माइस्ट्रो स्कूटी सेगमेंट में बहुत सारे लोग चाहते हैं, दोनों तरफ से गाड़ी दिखाइए। 18 मॉडल है। हाँ। कितना चली है ये?
ये चली है लगभग कोई 15,000। 15? हाँ। लखनऊ नंबर है? हाँ। ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर। हाँ। अपने यहाँ ज़्यादातर फर्स्ट ही ओनर रहती है? फर्स्ट ओनर ही गाड़ी मिलेंगी आप। जो कभी कदा सेकंड होती हैं वो अपने भाई जो एक्सचेंज कर जाते हैं वही रहती है जी। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये डिमांड कर रहे हैं हम 34,000 रुपये। 34? हाँ। ओके, आइए अपने पास एक लास्ट प्लेजर खड़ी हुई है, इसकी डिटेल भैया दीजिए। ये 2011 मॉडल है। 2011 है। हाँ। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर है। चली कितना है? चली 28,000। ओके, आप थोड़ा इस साइड आइएगा, एक बार लास्ट पीछे दिखा दीजिए। 28,000 चली हुई। हाँ। हीरो की प्लेजर है। 12,500। 12,500? हाँ। 12,500 में आपको 28,000 चली हुई गाड़ी मिल रही है। अच्छा ऑप्शन है। अपने पास सारी गाड़ियाँ हमने दिखा दी भैया। अपने पास कोई फाइनेंस की फैसिलिटी अभी है? है। लखनऊ वालों के लिए फाइनेंस हो जाएगी? ओके, लखनऊ वालों के लिए हो जाएगी। अगर आप लोग लखनऊ के हैं तो मोस्ट वेलकम है। बाहर के लिए अभी नहीं है, जब होगा तो हम बताएंगे, करा देंगे। ठीक है। और भैया अपना मतलब अगर कोई बंदा बाहर जैसे सीतापुर है, लखीमपुर है, आके नगद देता ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। आरसी ट्रांसफर, एनओसी सब दे देंगे? 10 दिन में सब मिल जाएगा। 10 दिन में मतलब छोटा मोटा सा समय है, इस दौरान आपका जो भी पेपर वर्क है वो करा दिया जाएगा। अपने भैया लोकेशन एग्जैक्ट आप बताइए और कॉल टाइमिंग बताइए, और बाहर वालों के लिए कोई सुविधा है कि नहीं ये बताइए। बाहर वालों के लिए सुविधा है, स्टेट से बाहर? हाँ। यूपी से बाहर? यूपी से बाहर सुविधा है, मगर वहाँ ट्रांसफर गाड़ी जल्दी नहीं हो पाती। नहीं हो पाती है। हाँ। ठीक है, यूपी वालों के लिए। ओके, इसलिए यूपी वालों के लिए, अगर आप खुद इतनी जिम्मेदारी लें, आए गाड़ी ले जाएं, तो दे दें, तो यहाँ से आपको कागज़ दे दिया जाएगा कि हाँ हमने आपके नाम गाड़ी दे दी है। और गाड़ी यहाँ से ले जाने के बाद कोई दिक्कत होती है? हाँ। तो मान लीजिए कि गाड़ी दूसरी मिल सकती है या गाड़ी सही करके दी जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बाई चांस बैटरी खराब निकली तो बैटरी बदलवा देंगे? नहीं, लगा के दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं। गाड़ी बनवा के दूंगा पूरी। ओके, गाड़ी वो लाने की उसकी जिम्मेदारी है, बनाना हमारा काम है। तो मतलब आप ये ना कहिए पंचर हो गई, पंचर बनवाना है। हाँ। इतना ना करिएगा, लेकिन अगर मैकेनिकल कोई डिफॉल्ट हुआ तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आपको मतलब कस्टमर सपोर्ट पूरा मिलेगा, और अपने यहाँ जो कस्टमर बनता है वो प्रमोटर बनता है। जी बिल्कुल, है ना। अपने यहाँ एक कस्टमर कितनी कितनी गाड़ी ले जा चुका है, लगभग अंदाजा दीजिए। एक एक कस्टमर 10-10 गाड़ी ले जा चुका है मेरे वहाँ। ठीक है। हाँ। और इसीलिए आर्यन ऑटो से जाना जाता है। कॉल फ्लो बताइए भैया, कितनी कॉलें आती होंगी अपने पास? कॉलें लगभग मान के चलिए कम से कम 1,000 कॉलें। 1,000 कॉलें आती हैं। आज बता भी रहे थे कि 1,000 कॉलें आती हैं, उसमें से कभी कभार तो 500 मिस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भीड़ रहती है उनको संभालें कि आपको संभालें। लेकिन आप लोग कोशिश करिए, अगर फ़ोन नहीं उठाए आप यहाँ आइए, गाड़ी मिलेगी, लाजवाब मिलेगी और हर हाल में मिलेगी, है ना भैया? ओके, कोई दिक्कत हमारी तरफ से नहीं होगी। नहीं होगी, कोई भी दिक्कत होगी दूसरी गाड़ी मिलेगी। कोई दिक्कत होगी बनके मिलेगी, बैटरी ख़राब है तो बैटरी चेंज होके मिलेगी। ठीक है। कस्टमर अगर कहीं पर है तो वो बताता है तो उसको हम भगवा लेंगे लड़का भेज के। ओके, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल शोरूम वाला फील मिलेगा। हाँ, जैसे आप ले गए हैं शोरूम असिस्ट करता है वैसे मिलेगा। इवन वो बनाने की जिम्मेदारी 2-3 लेते हैं अपनी काफ़ी लंबे समय तक कि हाँ गाड़ी ले गए हैं तो एक अच्छी तरीके से ट्रीट हो। और भी हमारे पास कलेक्शन है, देख सकते हो अंदर। ठीक है, अंदर है, वो भी कलेक्शन दिखा रहे हैं अभी। भैया एग्जैक्ट लोकेशन बताइए आपका पड़ेगा? डालीगंज क्रॉसिंग। ठीक है, सीतापुर रोड लखनऊ। सीतापुर रोड लखनऊ। लखनऊ। कॉल टाइमिंग बताइए? 10 बजे से 9 बजे रात तक। 10 से 9 के बीच में कॉल करिएगा। ये देखिए कॉल आ रही है, भैया कहेंगे आप उठाइए और जवाब दीजिए। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही दमदार कलेक्शन के साथ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।